वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब बोले तो आवाम पूरी पब्लिक को एक उम्मीद एक भरोसा वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब मरहूम कोई एक बात भी अगर बोले आवाम के सिलसिले से मैं ये काम करता हूँ बोलकर तो बराबर उस काम का जो है अंजाम देते हो तो वो उम्मीद आवाम में बन चुकी थी। तो हमारी बदकिस्मती उन्होंने इंतकाल कर गए। मैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब से भी यही दरख्वास्त करता हूँ आप भी जो है ये CAA NRC NPR का जो मामला शुरू हुआ उस वक्त आप ये बात कहे थे, कब कहे थे, आवाम जो है लाखों के तादाद में जो है पब्लिक रोडों पर आकर सड़कों पर आकर एहतजाज कर डिमांड करे आपसे जो है इस CAA NRC NPR को रोको बोलकर। हर मजहब वाला जो है इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। तो मैं जगनमोहन रेड्डी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी वादा करे थे NPR हमारे आंध्र प्रदेश में नहीं होगा बोलकर, लेकिन हाल ही जो असेंबली सेशन चले उसमें जो है आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जो NPR का रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2010 का फॉर्मेट में करने के वास्ते परमिशन दे बोलकर, आप परमिशन मत मांगिए, आपके साथ आवाम है, आप डटकर उनको बोलिए जैसा कि तेलंगाना केरला वेस्ट बंगाल पंजाब ये जो हुकूमतें जो है असेंबली के अंदर रेजुलेशन जो पास करी हम लोग NPR CAA NRC कुछ भी नहीं करते बोलकर, वो उम्मीद आपसे पब्लिक मांग रही है। और एक बात मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान MLA को जो है दबाया जा रहा है, मुसलमानों का ही नाम दिया जा रहा है, NPR जो है मुसलमानों को जरूरत है, मुसलमान MLA को जो है दबाया जा रहा कि आप NPR के सिलसिले से CM से बात करो बोलकर, ये सरासर मैं गलत बोलता हूँ। हर एक MLA की जिम्मेदारी है और हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी है, जो आवाम के अंदर मांग है इस NPR को करने से अमल करने से हर मजहब वाले को जो है मुश्किल पहुंचती, हर मजहब वाला जो है परेशान उठाना पड़ता। इसलिए बड़े मेहरबानी MLM पार्टी का एक रिक्वेस्ट एक डिमांड है, आप जो है आंध्र प्रदेश के अंदर NPR की बात ही मत उठाओ। आप जिस तरीके से पुराना सेंसस कर ले रहे थे उस सेंसस को जो है आगे बढ़ा के सेंसस कर लो। अल्लाह हाफिज़।